पर तेजी से हरकत करती हुई इन उंगलियों को देखकर क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि ये टाइपिंग करने वाला बच्चा देख नहीं सकता? कार्तिक खुद देख नहीं सकते तो क्या हुआ, वो विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के प्रति समाज का नजरिया बदलना चाहते हैं। शुरुआत उन्होंने की CBSE से और साइंस की परीक्षा देने वाले पहले विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट बन गए। अपने देश के IIT में दाखिले से इनकार कर दिए जाने के बाद कार्तिक अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस पढ़ने जा रहे हैं। कार्तिक, सबसे पहले तो मैनी कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। आप सबको बताना चाहेंगे कि आपके कितने मार्क्स आए हैं? 96% एग्रीगेट है। और इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में? इंग्लिश, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब में 95 एंड कंप्यूटर साइंस 99%। कितनी मुश्किल रही है ये जर्नी कार्तिक? 11th एंड 12th डेफिनेटली काफी चैलेंजिंग था, और कुछ इसके कारण ये थे। एक तो इनसेंसिटिविटी एंड लैक ऑफ अवेयरनेस बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैसेट था, जो एक चैलेंज था मेरे लिए। लोगों को कन्विंस करना दैट यस, मैं साइंस कर सकता हूँ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसके अलावा एक्चुअली मैं एक सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, स्क्रीन रीडर, जो भी कंप्यूटर पर आता है वो उसे पढ़कर सुनाता है। अच्छा। उसका ये मतलब है कि मुझे मेरी सारी टेक्स्ट बुक्स इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में चाहिए होती है, एंड इन इंडिया हम लोग ई बुक्स जनरली यूज नहीं करते हैं। सो सारी बुक्स को एक्सेसिबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना वो एक काफी बड़ा चैलेंज था। एंड उसके अलावा भाई ऑपोजिशन काफी था, मतलब लोग सोच ही नहीं पाते थे कई बार। बहुत कुछ सुनने को मिला जो कि एट टाइम्स डिस्करेज करता भी था। सो टू कोप अप विद दैट definitely was a challenge. बहुत ऐसे मौके आए होंगे जब लोगों ने बहुत hurtful comments दिए होंगे, जब आपको गुस्सा आया होगा या निराशा हुई होगी। Would you want to share any of those incidents? जब IIT और AIEEE की बात आई, जब मुझे एग्जाम देना था, तो at times ये था कि जब मैं बोलता था कि मुझे engineering करनी है, तो कुछ officials तो they started laughing. That you know, you will pursue engineering. इस तरह के comments कई बार सुनने को मिलते थे, जो कि मोमेंटरली डेफिनेटली काफी आपके कॉन्फिडेंस को यू नो दे बहुत प्रॉब्लम हो जाता था इमीडिएटली। एंड कई बार ये सुनने को मिला कि दैट इज इम्पॉसिबल, यहाँ तक कि वो लोग जो कि ब्लाइंड स्टूडेंट्स के साथ काम भी कर रहे हैं, उनमें से भी कई लोगों का यही नजरिया था कि व्हाट यू डूइंग इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, यू वेस्टिंग योर टाइम। स्टैनफोर्ड जाने का कैसे हुआ? IIT के जब डिसअपॉइंटिंग गाइडलाइंस आई, तब आई रियलाइज कि एक और पाथ था जिससे मैं अपनी ड्रीम्स को आई कुड कन्वर्ट देम इनटू रियलिटी। एंड मैंने इंटरनेशनल एडमिशन्स के बारे में सोचा उस समय, एंड दिस वाज अगस्त सितंबर 2012 रादर। एंड द गुड पार्ट अबाउट स्टैनफोर्ड वाज दैट दे टुक माय प्रॉब्लम इनटू अकाउंट, समझा उन्होंने, एंड दे लाइक माय स्कोर वाजंट दैट बैड, बट देन इट वाज बिलो व्हाट आई हैड एक्सपेक्टेड। तो उन्होंने सब बातों को कंसिडर करने के बाद, उसके बाद देन दे आस्क्ड यू हैव टू सेंड इन योर पब्लिकेशंस, योर रिसर्च, वो सब भेजा। एंड फाइनली मार्च 29th था जब स्टैनफोर्ड का डिसीजन आया, एंड आई गॉट थ्रू विद 100% स्कॉलरशिप देयर। लेकिन बुरा लगता है कि अपने देश में मुझे इतनी इनसेंसिटिविटी झेलनी पड़ी, यू नो योर ड्रीम वॉज टू बिकम एन IITian, और एक दूसरा देश वहां की यूनिवर्सिटी आपको उससे ज्यादा वैल्यू कर रही है। डेफिनेटली ये सोचकर बहुत दुख होता है कि 4 साल बहुत ही स्पष्ट भाषा में समझाने के बाद भी वो लोग इतनी सिंपल बात नहीं समझ पाए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो सिंबल्स हैं या फिर जो फिजिक्स के जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है, वो एक नॉन साइंस बच्चा आप नहीं पढ़ के सुना पाएगा। उनके लिए ये बात को समझना आई डोंट थिंक बिल्कुल भी मुश्किल है। बट अ लॉट ऑफ टाइम्स पेरेंट्स टेंड टू बी प्रोटेक्टिव ऑल्सो, क्योंकि उसमें केयर होती है, प्यार होता है। उन्होंने कई बार समझाने की कोशिश की होगी कि तुम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो या साइंस लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज पेरेंट्स डोंट वॉन्ट टू स्ट्रेस द चाइल्ड, राइट? शुरू में It was very natural, जब सब लोग कह रहे थे कि साइंस नहीं पढ़ो, there were times जब parents क्या यहाँ तक कि मैं भी कई बार डगमगा जाता था, to be very honest. I was very fortunate in that way also. Like my mom, पूरा material dictate कराना, like none of the textbooks were accessible, none of them. Karthik, your parents are here and they'll join us as well.
रविंदर जी, इंदू जी, बहुत बहुत स्वागत है जिंदगी लाइव में. शुक्रिया. जैसा रिजल्ट कार्तिक का आया है, उतना अच्छा आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे? कर रहे थे. बिल्कुल बिल्कुल. उसके स्ट्रगल के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? बिकॉज वी ऑल नो एज अ सोसाइटी वी आर वेरी इनसेंसिटिव. आई मीन ये तो कहने की बात ही नहीं रही अब. और एज पेरेंट्स बहुत दुख होता है जब हमारे बच्चे को कोई हर्ट करता है या उसकी कैपेबिलिटीज पर कोई क्वेश्चन करता है. सो इनफैक्ट एज अ मदर इट हर्ट्स द मोस्ट. कुछ शेयर करना चाहती हैं आप? क्लास वन और टू का जो सफर है वो तो कुछ खास नहीं रहा. और क्लास फाइव और सिक्स में भी जब साइंस में भी कुछ कुछ डायग्राम्स होते थे, उन विजुअल्स को एक्सप्लेन करना वो भी एक चुनौती सी रही. लेकिन ये है कि कार्तिक का वो डिटर्मिनेशन देख के जो है फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसे एक मौका जरूर देना चाहिए. और फिर मैंने सोचा जैसे भी होगा हम उसे करेंगे. एक मैसेज सुनवाते हैं आपको. कार्तिक, तुम्हें याद होगा कि हमें कोर्ट में भी जाना पड़ा. हाई कोर्ट में गए, ऑनरेबल जज ने अलाउ तो किया. ये साइंस स्टूडेंट जो तुम्हारा रीडर हो, लेकिन उन्होंने उसमें जजमेंट में एक लिखा कि एटलीस्ट 11th क्लास. सीबीएसई ने उसको वही पकड़ लिया और 11th क्लास का स्टूडेंट देने के लिए उन्होंने तुम्हें इन्फॉर्म किया. 2 अप्रैल को जजमेंट थी और 2 अप्रैल को ही स्टैनफोर्ड से तुम्हें एक्सेप्टेंस लेटर आया. कार्तिक, अ क्विक मैसेज फॉर ऑल द व्यूअर्स और सारे बच्चे 11th 12th में जो होते हैं. मैं ये कहूंगा कि हमेशा जो भी वीकनेसेस तो खैर सब में ही होती है, तो बस वीकनेसेस पे फोकस ना करके जो अपनी स्ट्रेंथ्स हैं उन्हीं पर काम करो एंड उसको इस तरह तक रिफाइन कर लो दैट यू रियली प्राउड ऑफ योर स्ट्रेंथ. और वो करने से आई एम प्रीटी श्योर दैट सक्सेस आराम से मिलता है. लाइक जस्ट वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ. एंड इवन अगर कई बार ऐसे होता है, सबको सुनने को मिलता है फ्रॉम डिफरेंट पीपल के तुम नहीं कर सकते, छोड़ दो ये वो. सो लाइक उस सबको नेगेटिविटी को शन करके ऑप्टिमिस्टिक रहो एंड देयर इज डेफिनेटली समथिंग इन स्टोर फॉर एवरीबडी. कार्तिक, थैंक यू सो मच. एंड मुझे कहना पड़ेगा दैट आई फील सो प्रिविलेज्ड कि आप यहाँ पर आए. नहीं, इट्स अ प्रिविलेज फॉर जिंदगी लाइव. जब आप जैसे लोग आते हो और इतना अच्छा मैसेज देते हो तो हमारी इज्जत बढ़ती है. एंड देयर इज अ स्मॉल टोकन ऑफ अप्रिसिएशन फॉर यू फ्रॉम जिंदगी लाइव. दिस इज अ मील वाउचर फ्रॉम लॉन बिस्ट्रो आप सबके लिए टू गो एंड सेलिब्रेट योर सक्सेस. मुझे लगता था कि हाँ ठीक है, मुझे प्रॉब्लम, लेकिन मेरा माइंड है, आई कैन थिंक, मुझे पता है कि मैं पढ़ सकता हूँ आराम से, हो सकता है.